ताश दिलक एवरीवन, और यू नो ताश दिलक का मतलब क्या है सबको पता है कि यहाँ पे तिब्बतियंस की लैंग्वेज में हेलो को ताश दिवन बोलते हैं। सो गाइज, हम लोग मचरू का टीले पे आए हुए हैं और मुझे अपने शूज़ खरीदने थे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हैं अंदर। तो मुझे किसी ने बताया था कि जाओ और वहाँ पे जाके डिस्कवर करो कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक ब्लॉग बना दिया जाए। और अभी मैं खड़ा हूँ बॉम डैन कैफे के सामने, दैट इज़ वेरी गुड कैफे, और आते हुए हम ज़रूर इसके अंदर जाएंगे एंड विल चेक आउट कि क्या क्या यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या मिलती है। और अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, फर्स्ट कॉपी शूज़ मिलते हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको अंदर चलते चलते दिखाऊंगा अभी। और लेट्स गो इनसाइड मजनू का टीला। बंद कर दिया मजनू के टीले की एंट्री, आ जाओ अंदर। यहाँ से स्टार्ट होता है मजनू का टीले का असली मार्केट। मोस्टली यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफेज दिखेंगे, बहुत सारी शूज़ की दुकान तो आपको कैफे से भी ज़्यादा दिखाई देंगी। हेलो, मोस्टली बहुत बहुत ब्यूटीफुल कैफेज हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी टी शर्ट्स की दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मजनू के टीले में। अगर आप लोग नहीं आए हो आज तक तो आप इस वीडियो को देख के ज़रूर आओगे। गाइस एक चीज़ और, हम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब अभी बहुत कम है, लाइक 495 500 भी नहीं है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा और बॉडी बिल्डिंग के टिप्स भी देता रहूँगा सामने। तो गाइस ये है मॉर्निंग गैलरी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मजनू का टीला, और उसके साथ में द बिग एप्पल कैफे जो कि बिल्कुल नॉर्मल कैफे है। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो यू कैन हैव दिस। यहाँ पे आलू पर स्प्रिंग रोल्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे यू कैन हैव योर थिंग्स। आलू बोंडा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट मेरे हिसाब से ये आलू बोंडा हो सकता है, और वो आलू के चिप्स जो रोल वाले चिप्स होते हैं वो है। और फ्रेश फ्रूट्स, स्मूदीज एंड ऑल, तो यू कैन हैव दिस। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ज़्यादा महंगे फ्रूट्स में नहीं जाना तो आप सस्ते में यहाँ पे आके आराम से खा सकते हैं। दिखाई थी जो गाइस मैंने आपको एंट्री दिखाई थी वो भी है, और आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ से बिल्कुल रोड के साथ में भी एक एंट्री है जो आ रही है, इधर से भी आप एंट्री कर सकते हो। और ये स्ट्रीट स्टार्ट होती है आपकी फीमेल स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है, पूरा फीमेल स्ट्रीट है, आराम से आप आके बंदी के लिए कुछ भी खरीद सकते हो। फर्स्ट शॉप देन स्नीकर स्टोर्स, अब आपको सिर्फ और सिर्फ शूज की शॉप दिखने वाली है। हब है ये फर्स्ट कॉपी शूज का, एक्चुअली हब है। अभी हम लोग चलेंगे हिमालयन कैफे, और वहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। मोमो शॉप, ओवरसाइज टी शर्ट, फीमेल क्लोथ्स, pet stock moments, all shakes.
अगर आपके सच में भस्की है तो ये अगर आपने मैगी खा ली इट्स वेरी स्पाइसी, अगर आपने इसे खा ली तो आप अगली बारी में आपके साथ शूट करूँगा। मुझे एक्चुअली मुझे ना अपने फादर के लिए लेनी है मिर्ची, वो कह रहे थे कि कोई लंबी मिर्ची होती है जैसे डिप कर रखी है आपने, ये ऐसी डिप कर रखी थी अचार की तरह बट वो लंबी होती है रेड कलर की और वो बहुत स्पाइसी होती है। जैसे जो है ना इंडियन नंबर वन स्पाइसी है। ये फायर बॉल्स भी वही है ना जले है जो अभी मैंने देखा, ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी है। कई दिन अपने फादर के लिए मिर्ची सोच रहा था कि उनके लिए स्पाइसी है तगड़ी सी मिर्ची, क्योंकि उनको मिर्ची खाना बहुत पसंद है, बट वो मिर्ची मुझे मिली नहीं, अचार मिल रहा था बट अचार मेरे डाट खाएंगे नहीं क्योंकि उनको अचार खाना पसंद नहीं, बट डेफिनेटली फाइंड आउट कि कहाँ मिल सकती है वो मिर्ची, तो ढूंढते हैं। आ जाओ गाइस, हम आ गए शूट वाली दुकान पे फैबलेस पे, जो मेरे फ्रेंड ने बताई थी कि यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद सच में काफ़ी सारी वैरायटीज है, नाइकी भी है, एडिडास भी है, आज मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। उसके बाद कौन कौन से शूजर्स हैं, काफ़ी क्राउडेड हो रहा है, काफ़ी कर सकते हैं कि बट मैं आपको चुपचाप शूज़ दिखाता हूँ, आप बस शूज़ देखते रहना, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज अंदर शूट करना ज़्यादा अलाउड नहीं होता। तो पहले मेल सेक्शन है उसके बाद फीमेल सेक्शन है, तो पहले मेल सेक्शन में चलेंगे उसके बाद फीमेल सेक्शन में। आगे मैं दिखाता हूँ मुझे कौन सा शूज़ चाहिए। मुझे ये शूज़ ही पसंद आ रहा है रेड कलर का, बिकॉज आई डोंट हैव रेड पेयर, और मे बी आई थिंक आई विल बाय दिस और आई गो विद जॉर्डन। शूज़ को शूज़ के देखने के लिए, बट उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आ जाओ आ जाओ तो गाइस हम गए थे अंदर, बट अंदर उन्होंने मना कर दिया कि शूज़ को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज कॉपीराइट का कुछ क्लेम व्लेम आ जाता है उनको, उनकी शॉप बंद हो सकती है। तो शूज़ तो मैं सॉरी नहीं दिखा पाया, बट इस शॉप पे आप आ सकते हो, फैबुलस शॉप है ये, बहुत अच्छी है। इसमें दो सेक्शन है, फर्स्ट मेल वाला है सेकेंड फीमेल वाला है, दोनों के पास दोनों कलेक्शन के अंदर बहुत अच्छा कलेक्शन है और आपको बहुत सही एडिडास और नाइकी दोनों के फर्स्ट कॉपीज़ आपको मिल जाएंगे बहुत शानदार लुक के अंदर। लाइक आप पहचान नहीं सकते कि वो ओरिजिनल है कि वो डुप्लीकेट है, तो आप यहाँ पर आओ चेकआउट करो और अगर समझ में आता है तो बाय करो, नहीं तो एंजॉय करो। तो भाई जहाँ पे ये मार्केट होता है ख़त्म और आपको कुछ भी बाय करना है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मेंस शूज़, टी शर्ट्स, लोअर्स, दिस क्या बोलते हैं कार्गोज, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे कार्गोज है और स्वेटी स्वेटी हो गया है, अब जाके थोड़ा एसी में बैठे हैं, बहुत गर्मी थी बाहर, सो हॉट आउटसाइड, ये पूरा स्वेट होके ना पूरा ईचिंग हो रहा है।
बियर्ड है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि बियर्ड बढ़ा लूँ, बड़ी कर लूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इतनी गर्मी है, बट लो मेरी बियर्ड भी आ गई। गाइस हम लोग अभी हैं हिमालयन के अंदर, दिस इज हिमालयन रेस्टोरेंट, स्टार्टिंग वाली लेन के अंदर ही है। मैंने भी YouTube पे सर्च किया था, तो देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, तो मैंने कहा यहाँ का फ्रूट बियर बहुत फेमस है, तो गाइज़ आप आओ तो फ्रूट बियर यहाँ का ज़रूर ट्राई करना। ये फ्रूट बियर नॉर्मल फ्रूट बियर नहीं है जो बॉटल में आता है, ये लोग यहाँ पे खुद बनाते हैं अपनी फ्रूट बियर। काफ़ी यम फेवरेट आ चुका है, हनी चिली पोटैटोज, आई लव हनी चिली पोटैटोज, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। एक्चुअली दिस इज यम, लिटिल स्पाइसी एंड लिटिल स्वीट, और उसके साथ बियर, अमेजिंग है ब्रो, ये यहाँ पे हिमालयज में ज़रूर ट्राई करना होगा। वेरी गुड।